यहाँ पे ना जेट कंपनी के ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भी चलते हैं। इसको यहाँ से आप स्कैन करोगे, ये ऐप होती है इसकी, ये काफ़ी सस्ता पड़ता है यार ये। भाई ये अंकल मेरे को लेके जा रहे हैं चोरसू बाजार में, रास्ता बता रहे हैं कौन सी जाएगी। काफ़ी हेल्पफुल पीपल है भाई यहाँ के। हेलो इंडिया, हाय इंडिया, इंडिया हाय। इन्होंने भाई मेरी मदद करी है खूब। इन्होंने बोला भाई अडेप्टर ले लो मेरे से, पावर बैंक ले लो। तो भाई ये वाली गाड़ी देखो कितनी बेहतरीन गाड़ी लग रही है यार, और कितनी पुरानी मॉडल की गाड़ी है, और काफ़ी खूबसूरत भाई ने बना रखी। देखो यहाँ पे जो सिस्टम है ना, वो गाड़ी भाई अपनी खुद धोनी पड़ती है यहाँ पे। भाई ये स्ट्रॉबेरी का जूस लिया मैंने अभी, 2000 सोम का मिला है मेरे को। अभी मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, अपना एक ट्रैवल अडेप्टर लेना है मुझे। तो यहाँ जो रिसेप्शन पे बंदे आए काफ़ी फ्रेंडली है, काफ़ी कुछ पूछा मैंने और सब कुछ का जवाब दिया उसने मुझे। हॉस्टल भी काफ़ी अच्छा है, अभी आपको इसका रूम टूर दे दूंगा। अभी सब सो रहे थे तो ज़्यादा बोलना मुझे ठीक नहीं लगा। अभी इस रोड पर थोड़ा सा शोर ज़्यादा है। यहाँ की रोड वगैरह दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ये सारे ऐसे रोड हैं यहाँ के, काफ़ी साफ़ सुथरा है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी यार, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। देखो जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, हो सकता है इस एरिया में भीड़ भाड़ ना हो ज़्यादा। और यहाँ से रोड क्रॉस करके आगे मिलते हैं आपसे। यहाँ पे ना जेट कंपनी के ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भी चलते हैं। इसको यहाँ से आप स्कैन करोगे, ये ऐप होती है इसकी, तो इस ऐप से आप स्कैन करोगे तो इसे काफ़ी सस्ता पड़ता है यार ये। अभी इसको ना मैं एक्टिव करूँगा उससे पूछ के, और फिर मैं आपको बताऊँगा। ये काफ़ी चलते हैं यार यहाँ पे, ये कजाकिस्तान में भी चलते हैं और पूरे सेंट्रल एशिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। और यार ये ग्रीन लाइट तो मेरी हो नहीं रही है, अभी देखता हूँ कैसे क्लियर करना है। और ये ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का, काफ़ी चौड़े चौड़े रोड हैं और काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ये छोटे छोटे यहाँ पे खाने पीने की दुकानें भी हैं। और अभी मेरे को जाना है इस तरफ, और इस तरफ लेके चलते हैं आपको। गाड़ियाँ देखो बोले रूल रेगुलेशन से चलती है, यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, फिर भी काफ़ी पीछे रुकी हुई गाड़ी, अपनी लाइन के भी पीछे रुकी हुई है। और लेफ़्ट साइड ड्राइविंग है तो सारे रास्ते इसमें उल्टे हैं, जो इंडिया में जाने का है वो इसमें आने का रास्ता है। और बिल्डिंग मैंने आपको जैसा बताया, एक दो फ्लोर से ऊंची कोई भी बिल्डिंग नहीं दिखी मेरे को अभी तक यहाँ पे। बस ये तो मेरे ख्याल से कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग लग रही है, कोई होटल होगा। वैसे जो रिहाइश की बिल्डिंग होती है डोमेस्टिक, वो कोई भी ज़्यादा ऊँची बिल्डिंग नहीं है यहाँ पर। बाकी अभी सिटी सेंटर की तरफ चलते हैं, थोड़ा एक दो किलोमीटर दूर हूँ मैं सिटी सेंटर से, और फिर जहाँ का एरिया मैं आपको दिखाऊँगा। टेम्परेचर की बात करूँ यहाँ पर तो सेम दिल्ली जैसा टेम्परेचर है, जैसा इंडिया में दिल्ली में टेम्परेचर चल रहा है उसी तरीके का टेम्परेचर। यहाँ 16-17 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो मैंने जैकेट पहनी हुई थी वाली, तो वो मैंने निकाल दिए, और ये थोड़ी सी हल्की सी वॉर्म है वो पहन ली मैंने, क्योंकि ज़्यादा ठंड लग नहीं रही, फिर वो मुझे स्वेट हो जाता है तो इसलिए मज़ा नहीं आता। तो अभी यहाँ पे ना खूबसूरत बिल्डिंग मुझे दिखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, नज़ारा कराता हूँ। और एक सामने भी येलो एंड रेड कलर की बिल्डिंग है। यहाँ पे ना आपको सोवियत के टाइम की बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं है। कजाकिस्तान इससे ज़्यादा एडवांस है। अल्माटी का जो मैंने सीरीज़ दिखाई थी आपको, वो इससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। और यहाँ का मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये बिल्डिंग देखो कितनी खूबसूरत बिल्डिंग लग रही है, और ये पुराने टाइम की बनी हुई बिल्डिंग है। और एक सामने वो येल्लो वाली बिल्डिंग है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वो भी काफ़ी खूबसूरत है। तो बिल्डिंग काफ़ी अच्छी है नो डाउट, लेकिन ज़्यादा इस ज़माने की नई नहीं है, और रेनोवेशन वगैरह चलता रहता है, देखो जैसे चल रहा है सामने। और अभी सामने चलते हैं और मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए आगे। भाई शेवरले की मारुति ओमनी देख लो यहाँ पे, ये देखो ये सारी गाड़ी शेवरले की चलती है यहाँ पे। ये भी शेवरले, ये भी शेवरले, ये भी शेवरले, और ये भी शेवरले। मोस्टली गाड़ी शेवरले की मिलेंगी आपको यहाँ पे। और वो गाड़ी देख के कैसा लगा आपको, ओमनी शेवरले की? यहाँ पे शेवरले ने सारे गाड़ियों के मॉडल उतार रखे हैं भाई। और ये देखो ज़ोरों शोरों से बिल्डिंग का काम चल रहा है इसका, नीचे से कलर अलग है, ऊपर से कलर अलग है, हो सकता है रेनोवेशन कर रहे हो नीचे से अलग। ये देखो इस तरह की है, जैसे अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग होती है ना इंडिया में, ये उस तरह की बिल्डिंग है। काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है भाई इस बिल्डिंग का। चलते हैं आगे की तरफ, और यार मार्केट तो मुझे मिल नहीं रही है, बताई तो उसने इस साइड ही थी। थोड़ा सा शांत एरिया है, कमर्शियल एरिया ज़्यादा नहीं है वाला, तो आगे देखते हैं। और इस तरह की सारी सोवियत टाइम की बिल्डिंग आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। भाई ये वाली गाड़ी देखो कितनी बेहतरीन गाड़ी लग रही है यार, और कितनी पुरानी मॉडल की गाड़ी है, और काफ़ी खूबसूरत भाई ने बना रखी। देखो इसका मॉडल ही कितना बढ़िया है, मस्त लग रही है भाई आगे से। रोल्स रॉयल्स की गाड़ी है ये देखो, रोल्स रॉयल्स की तो नहीं है, मार्क उसके जैसा लग रहा है, लेकिन है काफ़ी मस्त लग रही है भाई। और ये सामने देखो फूड कोर्ट बने हुए हैं, ये कितने प्यारे लग रहे हैं बने हुए। साइड जो शॉप्स होती है ना, विंडो शॉपिंग बोलते हैं, साइड शॉपिंग होती है जो फुटपाथ पे दुकानें लगी होती हैं, यहाँ पे वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से लगाई हुई, जैसे मॉल्स में बनाते हैं ना इस तरीके से, नीट एंड क्लीन यहाँ पे दुकानें बनाई हुई हैं। और सारी बिल्डिंग भाई सेम लग रही है, देखो सामने बिल्डिंग देख रहे हो वो भी सेम लग रही है,
और ये बन रही है, चलो ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये वाली बिल्डिंग देखो, ये तो पूरी भाई स्क्वायर शेप में बनी हुई है। वहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से उतनी वहाँ पीछे की तरफ है। ये तो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग लग रही है। और यहाँ देखो, ये देखो कितनी पुरानी हो गई, ये मतलब लाइन से ऐसे बिल्डिंगें बनी हुई हैं इस तरफ। यहाँ के कार वॉशिंग प्लांट देख लो, कितने बड़े एरिया में बने हों भाई। और ये 7-8 यहाँ पे कार वॉशिंग प्लांट है, देखो 7 नंबर तक हैं। गाड़ी लेके अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे ऑटोमेटिक, यहाँ पे देखो सेंसर लगे हुए हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये लगे हुए यहाँ से भाई, इसको ऑपरेट करके कितना प्रेशर से गाड़ी पे मारना है और गाड़ी धो के क्लियर देते हैं। और देखो पूरे तरीके से देते हैं, थोड़ा पास जाके दिखाता हूँ। और जो अंदर के बॉडी पार्ट्स वगैरह होते हैं, फुटरेस्ट वगैरह, सीट कवर, वो इस तरीके से यहाँ पे धोए जाते हैं। ये देखो, ये तो बीट वाला मॉडल है अपना गाड़ी का, शेवरले का। अब मैं आपको सामने से अंदर ले आकर दिखाता हूँ कि किस तरह का इसका प्रोग्राम रहता है। ये देखो भाई, किस तरह से इन्होंने प्रेशर से कोई सोप इनका निकाला है, डिटर्जेंट, और पिंक पिंक कलर का है। इस तरीके से पूरी गाड़ी वॉश कर रहे हैं प्रेशर के साथ, और इसी प्रेशर से भाई गाड़ी को वॉश भी करेंगे। ये भाई बिल्कुल अलग यूनिक एक्सपीरियंस है मेरा। और भाई के कपड़ों पे एक छींट नहीं जा रही है, ये भी देख लो आप, और ना भाई गीले हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं। कितने मस्त तरीके से पूरी गाड़ी धो दिए भाई ने। दोस्तों यहाँ पे एक अभी अजीब बात पता लगी मुझे। देखो जैसे भाई पैसे निकाल के लेके जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे जो सिस्टम है ना, वो गाड़ी भाई अपनी खुद धोनी पड़ती है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेकर आओ और ये वॉशिंग स्टेशन पे अंदर डालो, और इस तरीके से यहाँ पे देखो पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये पेमेंट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। इससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो और कैश भी दे सकते हो। जैसे भाई ने अपनी गाड़ी धोई, मुझे लगा था यहाँ पे भाई किसी का काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब अपनी गाड़ी हैं, अपनी गाड़ी यहाँ पे धो के और पेमेंट करके और सुखा के अपने लेके चले जाते हैं। जैसे इस तरीके से काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पे। ये सब अपनी गाड़ी खुद ही वॉश कर रहे हैं, और देखो खुद ही ड्राई क्लीन वगैरह कर रहे हैं सारी गाड़ी। इसमें अंदर लेके जाओ और पेमेंट करो और अपनी गाड़ी खुद वॉश करो। ये देखो भाई ने अभी स्टार्ट करी यहाँ पे। हाँ, ये लग भी रही है कि इनकी अपनी गाड़ी है, देखो लग रही है ना अपनी गाड़ी, खुद ही अपने आप वॉश करते हैं भाई यहाँ पे। वो यहाँ पे वॉशिंग वाला बंदा नहीं है, और देखो एक्सपीरियंस भी सबको है, अपने आराम से कर लेते हैं यहाँ पेमेंट करके। ये बड़े सिस्टम लगा भाई मेरे को। तो यहाँ कार वॉश करने का मैंने आपको सिस्टम दिखा दिया, मैं इसके थोड़े प्राइस भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो सोम लगते हैं, यहाँ पे प्राइस कार वॉश करने के, वो लगते हैं 15,000 उज्बेकिस्तानी सोम, जो कि इंडिया के होते हैं 100 रुपये के बराबर, इसके आसपास ही होते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी सर्विस लगी, ना तो किसी की वेट करना है ना कुछ करना है, अपनी गाड़ी लाओ, अपने लगाओ और अपना पैसे दो और वॉश करके सीधा लेके निकल जाओ। काफ़ी अच्छा सिस्टम है, और ना कोई भीड़ भाग का, ना धक्का मुक्की, कुछ भी नहीं हो रहा, ना किसी का वेट करना, मस्त तरीके से। और सबको ना गाड़ी अपनी धोनी आती है, क्योंकि ये बचपन से अपनी गाड़ियाँ धो रहे हैं ना, तो मैकेनिक से भी अच्छी गाड़ी धोते हैं अपने आप। भाई लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं उज्बेकिस्तान के। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, अभी मैं ना अपना ट्रैवल अडैप्टर ढूंढ रहा हूँ कहाँ से ख़रीदना है मुझे। तो अभी मैं यहाँ पे कार वॉशिंग का आपको एरिया दिखा रहा था ना, तो यहाँ पे दो भाई मिले मुझे, थोड़े यंगस्टर हैं, वो अपनी गाड़ी धो रहे थे। उनसे मैंने पूछा भाई ट्रैवल अडैप्टर कहाँ पे मिलता है, तो उनको समझ में नहीं आया। मैंने गूगल ट्रांसलेट करके पूछा, तो उन्होंने मुझे बता दिया एक जगह कि कहाँ पे मिलेगा। फिर मैं आगे चला गया, फिर मैं वहाँ से वापस आया। वापस आने के बाद उन्होंने मुझे इशारा करा, आ जाओ। मैं आया उनके पास, तो उन्होंने मुझसे पूछा, अगर आपको अडैप्टर वो चाहिए, पावर बैंक तो मेरे पास है, आप चार्ज कर लो। मतलब यार वाकई में मैं तो फिदा हो गया हॉस्पिटैलिटी पे, मैं भाई फिदा हो गया इनकी। ब्रद से हाय टू इंडिया। हेलो इंडिया, हाय इंडिया, इंडिया हाय। इन्होंने भाई मेरी मदद करी है खूब, इन्होंने बोला भाई अडैप्टर ले लो मेरे से, पावर बैंक ले लो। काफ़ी हेल्पफुल बंदे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। यहाँ कॉफ़ी मिल जाएगी आपको, आई फ्रेश बॉक्स है यहाँ पे, कॉफ़ी मिल जाएगी। कॉफ़ी के रेट यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे कैपेचिनो, हॉट डॉग, गैम बर्गर, चीज़ बर्गर, ये सब मिलेंगे। मैं कैपेचिनो का रेट बताया था आपको, 20,000 सोम की कैपेचिनो है, 135 के आसपास, इंडियन रुपीज़ के आसपास पड़ेगी आपकी। और ये सारे रेट हैं, इसको मैंने ट्रांसलेट करके देखा था। मेन कैपेचिनो का रेट बता रहा हूँ आपको, 20,000 सोम की है, उज़्बेकिस्तान सोम की, काफ़ी सस्ता है। और नॉर्मल चाय वगैरह लोगे, कॉफ़ी लोगे, तो 100 रुपये की इंडियन रुपीज़ में आपकी यहाँ पर मिल जाएगी। और ये देखो सारे सोविनियर टाइप की शॉप है यहाँ पर, यहाँ से भी काफ़ी कुछ ले सकते हो। और यहाँ का जो कल्चर है, देखो बच्चे अभी स्कूल से आए हैं, डांस कर रहे हैं भाई, इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और अभी अभी हमें सामने जाना है स्ट्रेट, और यहाँ पे मुझे लग रहा है आगे स्कूल है, यहाँ से बच्चे काफ़ी आ रहे हैं इस तरफ, और वो स्कूल भी देखेंगे अगर मिल जाएगा तो। और इस तरफ सीधा चलना है हमें आगे की तरफ। ये रिहाइश है इनकी, देखो कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पे, ये फ्लैट टाइप एरिया है, यहाँ रिहाइश है इनकी। ये मार्केट है मून मार्केट, यार इसमें अडैप्टर ना मुझे महंगा मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये 7-Eleven टाइप की नहीं है। तो आगे कोई लोकल मार्केट पकड़ता हूँ मैं जाके, वहाँ पे मेरे को ट्रैवल अडैप्टर लेना है।
भाई ये स्ट्रॉबेरी का जूस लिया है मैंने अभी, 2000 सोम का मिला है मेरे को और 20,000 का नोट दिया था मैंने आपको इनको, 18,100 इन्होंने वापस कर दिए। और अंदर घुसते भाई बात काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है मेरे को यहाँ, बहुत अच्छी, क्योंकि बेकरी आइटम इनकी इतनी खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी ये सारी शॉप है। और ये बीन्स हैं चॉकलेट के, और ये सारा आपको यहाँ बच्चों के लिए खाने पीने का भी मिल रहा है। और बगल में यहाँ पे शॉप है ये आलू टमाटर बैंगन वगैरह लेने की, ये देखो इस टाइप की, ये सब आपको संतरे जैसे आपको कजाकिस्तान में मिल रहे थे छोटे बड़े बड़े, सारे संतरे यहाँ पे मिल रहे हैं आपको बड़े से छोटे तक। और ये है अपनी प्याज और ये अंदर है आलू, ये सब आ रही है आइटम है आपको चोरसू बाज़ार में ले आके दिखाऊंगा, यहाँ पे तो लोकल मार्केट है, वहाँ बहुत बड़ी ग्रैंड मार्केट होगी। भाई ये जो मैंने 2000 सोम की बोतल ली है स्ट्रॉबेरी जूस की, ये तो बहुत सस्ती पड़ी यार, 13 रुपये की, और ये मेरे ख्याल से 250 ml की है। 13 रुपये में स्ट्रॉबेरी जूस मिल रहा है आपको, 300 ml है सॉरी, देखो ये लिखा हुआ है 300 ml, 13 रुपये का स्ट्रॉबेरी जूस मिल रहा है आपको। काफ़ी सस्ती कंट्री है भाई ये, काफ़ी सस्ती। अभी मैं ताशकंद में हूँ, मैं आपको बाय द वे बता दूँ, ये जो मैंने जूस लिया था ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा, थोड़ा कड़वा कड़वा लग रहा है, अपना अपना टेस्ट होता है, मुझे लगा था काफ़ी अच्छा होगा, यहाँ ना ज़्यादा मीठा नहीं होता है जूस, शुगर को कम कंज्यूम करते हैं यहाँ के लोग, है काफ़ी टेस्टी हेल्दी है, आके ट्राई कर सकते हो, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। और मैं एक चीज़ बता दूँ, मुझे जाना है चोरसू बाज़ार, और चोरसू बाज़ार जाने के लिए टैक्सी दिखा रही है यहाँ पे 21,000 सोम, यानी कि 130-150 रुपीज़ के आसपास। और अभी मैं अगर मैं यहाँ बस का वेट कर रहा हूँ, 22 नंबर की बस जाएगी जिस लोकेशन पे मैं हूँ, तो यनडेक्स गो आता है टैक्सी के लिए, और एक 2GIS ऐप होती है वो आती है बस के लिए, और गूगल मैप जैसा चलता है अपना उसके लिए 2GIS ऐप होती है, तो वहाँ से आपको पता लग जाता है कि कौन सी बस किस रूट पर जाएगी, आपको सिर्फ डेस्टिनेशन का नाम डालना है। तो अभी 22 नंबर की बस जाएगी, वो लेगी सिर्फ मेरे से 2000 सोम, आप 2000 सोम दो और बस में बैठो, कहीं से लेके कहीं तक भी आप ट्रैवल कर सकते हो। पहले ये किराया जो था यहाँ पे 1700 सोम का था, लेकिन अभी थोड़ा सा बढ़ गया है, 2000 सोम हो गया है, तो अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2000 सोम है ही कितना, 13-14 रुपये, 13-14 रुपये में जाऊँगा मैं वहाँ पर, और कहाँ 130-140 रुपये, तो मेरे लिए तो टैक्सी से बढ़िया बस ही हो रही है ना, तो मैं बस से ट्रैवल करूँगा। मैंने चेंज करा लिया, ये बोतल मैंने जो ली थी ना ये मैंने चेंज कराने के लिए ली थी, क्योंकि मेरे पास 20,000 सोम का नोट था, उससे छोटा नोट था नहीं, अब बस वाला पता नहीं चेंज देता नहीं देता। तो अब मैं अब बस का इंतजार कर रहा हूँ, 22 नंबर बस अभी तक तो आई नहीं है, 2-3 मिनट का फ़र्क दिखा रही थी, तो अभी बैठ के उसमें फिर आपको आगे का सफ़र मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये भाई तो देखो बिल्कुल टैक्सी के गाड़ी के सबके पैसे बचा रहा है भाई, देखो सामने स्केट शू लेके साइड में स्टिक लेके सड़क पे जा रहा है भाई, देखो क्या नज़ारे हैं भाई, एक से एक नज़ारे मिलते हैं भाई बाहर इंडिया से बाहर जाके, देखो भाई देख लो इस तरह की बस होती है यहाँ की उज़्बेकिस्तान की, थोड़ी सी अलग है, यहाँ स्पेस दिया हुआ काफ़ी ज़्यादा, वो स्टॉलर होते हैं बेबी के वो सब रखने के लिए और खड़े होने के लिए, अलमाटी से थोड़ी छोटी बस है। और यहाँ से एरिया दिखाता हूँ मैं आपको सामने का, ये देखो मैं यहाँ बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये देखो लेफ्ट साइड ड्राइव है यहाँ की भी, और यहाँ का भी जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो भी सब फॉलो करते हैं। अब ये बस मेरे को मिल गई है और ये लेके जाएगी मुझे सीधा चोरसू बाज़ार, और यहाँ का जो रास्ता है वो मैं दिखाता हूँ आपको, काफ़ी हाईटेक बसेज होती हैं यहाँ पे, देखो सारे कंट्रोल इनके हाथ में होते हैं यहाँ पे, और अगर आपके पास कार्ड है तो यहाँ पे टच करना है, और कैश है तो वहाँ पे रख देना है, तो मेरे पास कैश था मैंने यहाँ पे रख दिया था। और ये देखो यहीं कैमरे वगैरह लगे होते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे देखो सब जिसको कैश देना है वो कैश देता है, जिसको और देना वो दे देता है। तो बैठ गया हूँ बस 13 रुपये की राइड लेके, और मैं पहुँचूँगा चोरसू बाज़ार जो कि यहाँ का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बाज़ार है। अब देखते हैं उस बाज़ार में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जाके ही पता लगेगा। और यहाँ के गेट भी कजाकिस्तान की जो अलमाटी की जो बसेस हैं उसी तरीके से खुल रहे हैं यहाँ के गेट भी, तो ये पूरा उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया का थोड़ा थोड़ा सिमिलर सा ही है देखने में यहाँ से। चलो अब चलते हैं आगे चोरसू बाज़ार में, आपसे मिलते हैं सीधा। सड़कों पे आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिखेगी, अभी दोपहर का 1 बज रहा है और स्कूल की भी यहाँ पे छुट्टी हो चुकी है, टाइमिंग बराबर ही है वही 12-12:30 बजे छुट्टी होती है स्कूल की, काफ़ी बच्चे आ रहे थे, लेकिन यहाँ भीड़ भाड़ नहीं दिखेगी आपको, रोड बिल्कुल खाली दिखेंगे, कंजस्टेड एरिया बिल्कुल भी नहीं है। भाई ये अंकल मेरे को लेके जा रहे हैं चोरसू बाज़ार में, रास्ता बता रहे हैं कौन सी जाएगी, तो काफ़ी हेल्पफुल पीपल है भाई यहाँ के, ये देखो ये मुझे लेकर जा रहे हैं। ओके, मतलब ये अंकल कह रहे हैं कि वो ज़्यादा लेट जाएगी, ये जल्दी पहुँचा देगी, तो भाई काफ़ी हेल्पफुल बंदे हैं,
अब ये मुझे चोरसू छोड़ेंगे ये यहाँ पे, अब ये मेरे को चोरसू छोड़ेंगे। काफ़ी हेल्पफुल बंदे हैं भाई, बहुत मज़ा आ गया उज़्बेकिस्तान में। कजाकिस्तान में क्या है ना, थोड़े से रूड बंदे हैं, थोड़े कम बोलते हैं, लेकिन उज़्बेकिस्तान के बंदे काफ़ी हेल्पफुल है भाई। इन्होंने बोला आगे वाली सीट पर बैठ जाओ, इन्होंने बोला आगे वाली सीट पर बैठ जाओ, यहाँ पर मेरी वाली बस थोड़ा जल्दी जाएगी और जो बिल्कुल पास में होगी मैं वहाँ पर छोड़ दूँगा आपको, उधर जो है ना बस काफ़ी लेट आएगी, टाइम लग जाएगा। तो इन्होंने मुझे अपनी बस में बिठा लिया है और मुझे चोरसू बाज़ार छोड़ रहे हैं। काफ़ी बढ़िया हॉस्पिटैलिटी है भाई, मज़ा आ गया। फाइनली पहुंच गया हूँ चोरसू बाज़ार में, चारसू बाज़ार जो भी इसको कहते हैं। अभी मैं यहाँ पे सब्ज़ी मंडी लगी हुई है पूरी, और ये 2000 साल पुराना बाज़ार है, और ये देखो इसकी जो लुक है आज भी वो पुरानी लुक है। तो दोस्तों ये 2000 साल पुरानी मार्केट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको दिखाया वो अगर आपको पसंद आया है, यहाँ का लोकल एरिया, लोकल कल्चर, लोकल ट्रांसपोर्ट, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। जो भी यहाँ पे आना चाहता है उसको शेयर कर देना, और जो नहीं भी आना चाहता उसको नॉलेज के लिए भी शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो यार देखते लोग बहुत हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो एक रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो आपके लिए लेकर आने में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत मज़ेदार भी होने वाली है। यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा चोरसू बाज़ार में, वो सब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, और बहुत सी खाने की डिशेस भी मैं आपको बताऊँगा, और यहाँ पर एक भाई हिंदी बोलते हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए नीचे जाकर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।